गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, क्लास फाइव में लेसन टू में जो है ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके पहले जो कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बारे में हम देखेंगे। जैसे पहला जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, इसमें जो पहला जो नंबर होता है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी का होता है। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर एडिशन के क्रम को हम चेंज भी कर देते हैं तो उसके सम पर कोई जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे व्हेन द ऑर्डर ऑफ एडिशंस इज चेंज्ड द सम रिमेंस द सेम। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर उनके ऑर्डर को बदल भी देते हैं तो जो एडिशन होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे बच्चों देखिए, यहाँ 4,12,314 प्लस 3,14,478 को प्लस किया गया, तो पहले क्रम में क्या है 4,12,314 को 3,14,478 में प्लस किया गया है, तो इसका जो एडिशन आया है ये 7,26,792 है। अब बच्चों देखिए, इसके क्रम को बदल दिया गया है। अब 3,14,478 में इसको प्लस किया गया है 4,12,314 को, फिर भी हमारा एडिशन जो सेम आया है 7,26,792। तो बच्चों, जो पहला जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब यह है कि एडिशन के क्रम को अगर चेंज भी किया जाए फिर भी जो है जो हमारा सम आता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो जीरो प्रॉपर्टी है। द सम ऑफ जीरो एंड नंबर्स इज द नंबर्स इटसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो वही नंबर हमको प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए, 6,22,877 में जीरो को हमने ऐड किया तो वही नंबर हमको 6,22,877 प्राप्त हो गया। अगर इसके क्रम को हम चेंज भी करते हैं कि जीरो में प्लस कर रहे हैं 6,22,877 तो वही नंबर हमको 6,22,877 प्राप्त हुआ। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, जीरो प्रॉपर्टी कहते हैं। जीरो प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर किसी भी नंबर को हम जीरो में ऐड करते हैं तो वही नंबर हमको प्राप्त होता है। ये हमारी जीरो की प्रॉपर्टी है। अब बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में जो तीसरा रूल है वो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का है। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है, कह रहा है कि इवन इफ द ग्रुपिंग ऑफ एडेंस इज द चेंज द सेम रिमेंस ऑफ द सेम। मतलब ये होता है कि अगर हम दो तीन नंबर हों और उनको एक साथ ऐड करना हो, उनको जब ग्रुपिंग करेंगे तो उनको देखिए, जैसे मान लीजिए 35,000, 60,000 और 9,500, ये तीन नंबर हैं, इनको हमको ग्रुप में ऐड करना है। तो अब देखिए बच्चों, अगर 35,000 और 60,000 को एक साथ जब ऐड करके और उसमें 9,500 को ऐड करते हैं तो जो हमारा एडिशन होता है वो 1,04,500 होता है। अब इसको हम अगर चेंज करते हैं ग्रुप में, जैसे पहले में हम 35,000 और 60,000 को ऐड करके फिर तीसरे को ऐड किया, अब हम क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे और पहले जो है एक ग्रुप में 60,000 और 9,500 को ऐड करके और उसमें 35,000 को जब ऐड करेंगे तब भी हमारा जो एडिशन है वो 1,04,500 ही आता है। तो इस तरह से बच्चों, ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और उसके जो एडिशन जो होता है, एडिशन पर हमारा जो कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे कह रहा है कि इफ द ग्रुपिंग ऑफ एडिशंस इज चेंज्ड द सम रिमेंस द सेम। मतलब अगर हम क्या करते हैं कि अगर एडिशन के ग्रुपिंग को अगर हम चेंज भी करते हैं
हमारा जो एडिशन होता है बिल्कुल सेम होता है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। अब बच्चों इसमें जो है एक्सरसाइज 2A में पहला जो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, इसको सम करके आपको हम बताएंगे। जैसे देखिए बच्चों इसमें जो है 3 में 6 ऐड किया गया तो 9, यहाँ 1 में 0 को ऐड किया गया। तो अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताया कि जब 0 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर हमको प्राप्त हो जाता है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 5 में 8 को ऐड करेंगे तो 8 और 5 आपका हो जाएगा 13, 13 को 3, कैरी हमारा 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब 1 में 2 को ऐड करेंगे 3, और 3 में 9 को ऐड करेंगे तो 12, 12 को 2 एक कैरी 1 हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा। अब 1 में 8 को ऐड करेंगे तो 9, और 9 में 2 को ऐड करेंगे तो 11। इस तरह से बच्चों जो है ये जो पहले क्वेश्चन जो फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग जो पहला क्वेश्चन है इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। दूसरा बच्चों है ऐड द फॉलोइंग, तभी हमने आपको ग्रुपिंग वाला सिस्टम बताया कि आप इसको ग्रुप करके ऐड करेंगे। ग्रुप करके ऐड करने में सबसे पहले हम किनारे रफ में जो है एक कॉलम बना लेंगे अलग से, और कॉलम मेथड में जैसे पहले लिखेंगे 10,000, ये कर लेंगे। अब इसमें जो है ऐड करेंगे हम 29,876, इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 6 11 के 1 कैरी 1, 9 और 7 16 और एक कैरी 17, कैरी 1 हो जाएगा। 8 और 8 16 और एक कैरी हो जाएगा तो 17। अब इसको ऐड कर देंगे तो 9 और 1 10, कैरी 1 हो जाएगा, और 1 1 2 और 2 4, ये हो जाएगा आपका 40,771। अब इसमें जो है थर्ड वाले को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000, ये बच्चों हो गया 40,771। अब इसमें जो है 40,771 में अब बच्चों जो है क्या करेंगे 4,987 को हमको ऐड करना है। तो अब इसको जब कॉलम में ऐड करेंगे तो 71 के प्लेस पर है तो यहाँ 7 लिखेंगे, ये 10 के प्लेस पर है तो यहाँ लिख देंगे, पर है तो यहाँ 9 लिखेंगे 100 के प्लेस पर, और 4 जो है 1000 के प्लेस पर है तो यहाँ पर 4 इसको ऐड करेंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 1 और 7 8, 8 और 7 15, कैरी 1 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 8 और 9 17, कैरी 1 हो जाएगा, 1 और 4 5, और ये 4 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45,758। अब बच्चों जब इसको हम रफ वर्क में कर लेंगे इसके बाद इसकी ग्रुपिंग करेंगे। देखिए इन दोनों को पहले एक साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,895 प्लस 29,876, इनकी एक ग्रुपिंग हो गई, और प्लस ये हो जाएगा 4,987 इक्वल टू, इसका जो एडिशन होगा ये हो जाएगा 45,758। अब बच्चों इसका हम क्रम चेंज करेंगे इसको पहले, और इन दोनों को एक साथ रखेंगे। जैसे 10,895 प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 29,876 प्लस 4,987। तो अब बच्चों इसका एडिशन भी यही सेम हो जाएगा 45,758। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे ही आप रफ करके और ग्रुपिंग करके इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों आप होमवर्क में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये HW में आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 1
एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व करके हमारे पोर्टल पर भेजेंगे और जो भी आपको दिक्कतें होंगी उसको दूर किया जाएगा। धन्यवाद।